अच्छा जी, हम रेसिपी बता देते हैं। हमने जो है मीठी टिकिया किस तरीके से बनाई, हमने लिया 500 ग्राम जो है वो आटा लिया, यानी मैदा ले लिया 500 ग्राम। उसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने तिल शामिल करने हैं, 2 टेबलस्पून खोपरा शामिल करना है, 2 टेबलस्पून घी शामिल करना है, आधा कप सूजी शामिल करनी है, 1 कप चीनी शामिल करनी है और तकरीबन 100 ml नीम गर्म दूध लेके, या इतना दूध ले लीजिएगा कि आपने उसको जो है नीम गर्म आपने उसको गूंद लेना है और रेस्टिंग टाइम देना है 30 मिनट, यानी आधा घंटा, ताकि चीनी जो है वो अंदर मेल्ट हो जाए और सूजी को फूलने का टाइम मिल जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी सरफेस पर आपने घी लगाया, इसको बेला, कटर से कट किया और घी के अंदर आपने फ्राई करना है, उससे खस्ता बनेगी, ठीक है। आपने मीडियम लो हीट पे, मीडियम लो हीट पे आपने इसको फ्राई करना है। अगर तेज़ हीट पे आप फ्राई करेंगे तो वो जो है कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से कच्ची रहेगी, खस्ता नहीं होगी। अच्छा जी, हमारी मीठी टिकियाँ यहाँ फ्राई भी हो रही है, कुछ बन भी गई हैं, आपने हमारे साथ रहना है।